थोड़ा प्यार से भाई, तुम दोनों का भी ब्रीडिंग करना है कुछ ही देर में। अनुबिस खत्म भाई, कौन है वे? रियासुसा उसको मार दिया कैसे? इंसेक्ट पोकेमॉन। हेलो गाइस, वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड। भाई पहले हमारे पास बहुत ही कमजोर सा पिद्दू सा पोकेमॉन हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ही खतरनाक लेवल का पावरफुल पोकेमॉन आ चुका है। अभी हम भाई किसी से भी फाइट ले सकते हैं। और आज वीडियो के लास्ट में दो खतरनाक पोकेमॉन की मैं ब्रीड भी करने वाला हूँ, और उसमें से जो अंडा निकलेगा भाई खतरनाक होगा वो पोकेमॉन। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स गो। तो अभी तक हमारा मैप इतना ही ओपन हो पाया है, और हमें आज एक पोकेमॉन को ढूंढना है जिसका नाम है फॉक्सी सिली। वो शायद से यहाँ पर मिलता है, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा तभी हमें मिल पाएगा। तो लगभग वो यहाँ पर इस जगह पर फॉक्सी सिली मिलता है। और पिछले वीडियो में आपको याद ही होगा कि हमारा ब्रीडिंग का जो एक निकला था ह्यूज ड्रैगन एग, देखते उसके अंदर से कौन सी पोकेमॉन बाहर आता है। एंड दिस इज एल्फिड्रन एक्वा, जो कि भाई बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन है। अभी ये लेवल 1 का है। हमने ब्रीड किया था एल्फिड्रियन और सर्पेंट का, और उसके अंदर से निकला भाई एल्फिड्रियन एक्वा। मुझे ना पहले एल्फिड्रियन का सैडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई नाइटविंग से मैं कब तक सवारी करता रहूं भाई, वो बहुत कमजोर पोकेमॉन है। तो मैं सभी फाइट में भाई एल्फिड्रियन को अपनी टीम में रखता हूं, तो इसका सैडल अगर मैं बना लूं ना तो बहुत ईजी हो जाएगा काम मेरे लिए। तो इसके लिए मुझे 20 लेदर चाहिए, और इंगट तो खैर मेरे पास है नहीं, लेदर मेरे पास है, हो जाएगा काम। इसके लिए भाई हमारे रेप्टायर है भाई, बहुत ही तेज इंगट बनाता है भाई। थोड़ी देर पहले भाई मेरे बेस पे ना मर्चेंट आया था, उससे भाई थोड़ी सी लेदर खरीद लेता तो अच्छा रहता भाई। ठीक है, पहले इसको अनलॉक कर लेते हैं। भाई मेरे मन में एक सवाल है, मैं अगर एल्फिड्रन का सैडल बनाऊं तो मैं क्या उससे एल्फिड्रन एक्वा के ऊपर सवारी कर सकता हूं भाई? दो लेदर चाहिए। सोचा था कि भाई मेरे पास आयरन की कमी है, लेकिन नहीं भाई, मेरे बेस का जो आयरन है भाई मेरे पोकेमॉन से सब तोड़ के रखा है, तो मेरे पास अभी बहुत सारे आयरन आ जाएंगे भाई। आयरन की कमी थोड़ी है भाई, बस मुझे भाई 2 लेदर चाहिए, उसके बाद मैं सैडल बना सकता हूँ। एल्फिड्रन लेवल 8 का है भाई, एक ही झटके में ढेर हो जाएगा ये। वापस आ जा तू। ओए भीड़ ने आ गया भाई मेमोरेस्ट फिर से भाई, पिछले वीडियो में हमने मार दिया था मेमोरेस्ट को। ठीक है, इस बार भी मार देंगे भाई। भाई मेमोरेस्ट ने मेरा बेस तोड़ दिया भाई फिर से भाई। फिर से मुझे रिपेयर करना पड़ेगा भाई बेस। फिर से पकड़ ले भाई, इसको पकड़ने में ना बहुत ज्यादा झंझट होती है, बहुत ज्यादा स्फीयर भाई वेस्ट होता है इसको पकड़ने में। ट्राई करूं भाई, क्या पता आ जाए। आ जाएगा भाई, फिर से एक मेमोरिस्ट आ जाएगा, अभी मरेगा ये। ओ आजा, नहीं तो मर जाएगा तू। आजा बेवकूफ, 100 का हेल्थ इसका, बेवकूफ मेमोरिस्ट आजा। ये कितना बड़ा गधा है यार, भाई नहीं आया तो मर जाएगा ये। अबे आजा, अरे आ ही नहीं रहा भाई, इतनी मार खाने के बावजूद भाई मर गया ये। भाई मेरा पेल्स फियर्स वेस्ट हो गया बेमतलब। सबको खाना वाना खिला दो भाई, सबका हेल्थ एकदम डाउन हो चुकी है। अभी ना मेरे लिए मेमोरिस्ट को मारना तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है, बट उसको पकड़ना भाई वो आना ही नहीं चाहते कभी कभी। खैर अभी मुझे बहुत सारी पोकेमॉन्स को पकड़ने जाना है, और उसके पहले ना मेरे को एक फ्लॉपी बेड बनाना पड़ेगा पोकेमॉन्स के लिए। ये मेरा नॉर्मल बेड है, तो इसके बाद में एक फ्लॉपी बेड आता है, उसको मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा बेस का लेवल ना थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। पता नहीं भाई आज मुझे वो फॉक्सिसिली नाम का पोकेमॉन मुझे मिलेगा कि नहीं, जिसके साथ मुझे आज ब्रीडिंग करना है। अगर वो मुझे मिला तो किंगपा का, और ये जो माओ प्रीस्ट है ना, ये आइस टाइप पोकेमॉन है, ये फीमेल है और मेरा किंगपा का मेल है, तो इन दोनों का ब्रीड हो सकता है क्या? एक बार देख लेते हैं। इधर आ, किंगपा का किधर गया? ऊपर क्या कर रहा है तू भाई, ऊपर कैसे चला गया ये? ये देखो भाई मेमोरिस्ट ने मेरा ऊपर का बेस तोड़ दिया थोड़ी बहुत। ब्रीड हो सकता है क्या इन दोनों का? नहीं भाई नहीं हो सकता शायद से। अच्छा ये खाना खाने आया है, शायद से इसको भूख लगी है, खाना खा के ये शायद से घुसेगा ब्रीडिंग फार्म में। भाई कितना खाना खाता है, जल्दी खत्म करना। हाँ ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है किंगपा का, जा रहा है अंदर, चला गया अंदर। ओए ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मुझे नहीं पता भाई इस अंडे से भाई कौन सी पोकेमॉन बाहर आएगा, बट ब्रीडिंग हो रही है भाई किंगपा का और हमारी माओ क्रिस्ट से। नाइस, तो चलो गाइस हमें अभी एल्फिड्रन का सैडल फटाफट बना लेनी है। ये रही एल्फिड्रन का सैडल भाई, शार्ट प्रोडक्शन, और भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास भाई अनुबिया से फट से बना देगा भाई।
और ये हो गया। देखते हैं हम अभी एल्फिडन एक्वा के ऊपर सवारी कर सकते हैं या नहीं। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई भाई, हम नाइटविंग का भी नहीं लेंगे अपने टीम में। अगर एल्फिडन एक्वा के ऊपर सवारी नहीं भी हुआ ना तो एल्फिडन को हम लेंगे टीम में। और इसका स्टैमिना भाई नाइटविंग से तो बहुत बढ़िया है भाई। लॉजिकली तो मैं शायद से एल्फिडन के ऊपर सवारी नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों अलग पोकेमॉन है, बट फिर भी मैं ट्राई तो करना चाहूँगा भाई। नहीं नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये सिर्फ एल्फिडन के ऊपर ही सवारी कर सकते हैं हम भाई। लूनर इसको ले गया, लूनर इस बहुत ही छोटा पोकेमॉन है बट पावरफुल है भाई। नहीं भाई मुझे रिलैक्स को लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन भी तो होना चाहिए ना भाई, तगड़ा वाला। ओके मेरे पास खाना नहीं है, मुझे बेरीज कलेक्ट करना पड़ेगा। ओए ब्रीडिंग कंप्लीट भी हो गया भाई, एक ले लो केक हमारी। अरे ये बहुत छोटा अंडा है भाई, तुम लोग बाहर निकलो। चलो लगा देते हैं अंडे को हैच पे। और ये भाई 10 मिनट का टाइम लेगा, मतलब भाई कोई तो फद्दू सा पोकेमॉन निकलेगा भाई, ये श्योर है। चलो चलते हैं बाहर एक्सप्लोर करने। तो मैं सोच रहा हूँ भाई सीधा सीधा यहाँ पर आ जाऊँ क्योंकि इसके ऊपर ही ना वो क्या कहते हैं उसको, फॉक्सी सिली, उसका लोकेशन है इधर। तो मैं सोचा कि यहाँ से सीधा जाऊँ उस तरफ। तो हम अभी सवारी करेंगे भाई एल्फिडन के ऊपर, जो कि बहुत मस्त होने वाला है भाई, मेरे को पता है। भाई उठता क्यों नहीं है? ओके एक सेकंड, मुझे किस तरफ जाना है? मुझे पीछे जाना है। और शायद से सामने भाई बर्फ का कोई इलाका है क्या? तब तो मुझे भाई कोल्ड रेजिस्टेंट वाली आर्मर पहनना चाहिए भाई ना। एक बार मैं बेस पे चलता हूँ और पहले तो मैं अपना, मेरे पास हॉट रेजिस्टेंट आर्मर है बट मेरे पास कोल्ड रेजिस्टेंट आर्मर नहीं है, तो उसको भाई बना के लाते हैं। पता चला भाई ऐसी जगह में पहुँच गया कि मेरे पास कोल्ड रेजिस्टेंट भाई आर्मर भी नहीं है और मैं ठंड से मर जाऊँ भाई, ये नहीं होना चाहिए। ओ सामने एक बॉस पोकेमॉन है जिसका नाम है एलिजाबी। शायद से इसकी मदद से हम हनी फार्मिंग कर सकते हैं, जो कि भाई मेरे को तो भाई चाहिए भाई। बार बार मुझे भाई हनी कलेक्ट करने के लिए भाई इस जगह पर आना पड़ता है। और ये क्या नाम है इसका, सिनेमोथ, इन लोगों को मारना पड़ता है भाई। ओहो भाई मेरे एल्फिडन भूखा है, मेरे को तो पता ही नहीं चला भाई। अभी ठीक है, चलो भाई कहाँ है वो पॉइंट, दिखाई नहीं दे रहा भाई। कहाँ है एलिजाबी भाई? इसका हेल्थ पहले से ही कम होके रखा है क्या? कैसे? मैंने तो भाई टच भी नहीं किया उसको। शायद से वो भाई हिल के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड होगा शायद से। कहाँ है भाई वो पॉइंट? पत्थरों के बीच में ही होता है बट। अच्छा नीचे है क्या वो पॉइंट? शायद से मुझे मिल गया भाई। अभी इसके अंदर से मुझे जाना पड़ेगा। ओ गुफा के अंदर आ चुके हैं हम, बाकी देखते हैं भाई एल्फिडन, मतलब सॉरी एलिजाबी कहाँ है भाई। या तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मिल गया एल्फिडन, जा भाई कमाल दिखा अपना। इन लोगों को पहले मारना पड़ेगा भाई। हाँ उतना आसान नहीं है बेटे। ओ भाई यार ट्रॉसबो लूंगा हाथ में तो भाई कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पर। ओए एल्फिडन मर गया भाई। ओ ये तो खतरनाक सीन है भाई। ये है एलिजाबी और उसके साथी को, शायद से हमने सब साथी को मार। अजरुबे खत्म, मतलब अनुबिस खत्म भाई। कौन है बे? बहुत शाना बन रहा है भाई। चमचे को साथ लेके भाई सब फाइट कर सकते हैं भाई। रियल सुसर उसको मार दिया कैसे? इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है ये? जला डाल इसको भाई, जला डाल। ओ ये एलिजाबी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है भाई? भाई मैं डिफेंस खेलूंगा, मैं तो डिफेंस खेलूंगा भाई। बहुत खतरनाक पोकेमॉन है भाई ये, जगह भी बहुत कम है भाई इधर। मार इसको, जला डाल भाई, जला डाल। रेप्टायरो मेमोरिस तू आ भाई। मेमोरिस पता नहीं इतनी छोटी जगह पर क्या करेगा बट भाई ये छोटा सा पिद्दू सा पोकेमॉन कीड़े जैसा दिखने वाला, ये भाई मेरा साथ तीन पोकेमॉन को मार गिराया भाई एक झटके में। हाँ बेटे मजा आ रहा है अभी।
मजा आ रहा है अभी। मेमोरी भाई अंधे, इतना ज्यादा अंधेरे है भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसे। ओ शील्ड गया मेरा, पत्थरों के बीच में घुस गया था मैं भाई, मारना नहीं है मेरे को। अरे क्या कर रहा है मेमोरिस्ट, आठ सौ का हेल्थ है अभी भी इसका भाई। मेमोरिस्ट मरने वाला है, रेप्टार को भेजता हूँ भाई। रेप्टार भाई अच्छा है, इसको भेजता हूँ भाई, पूरा रोशनी हो जाता है तारों चारों तरफ। फायर टाइप पोकेमॉन है ना, इसलिए भाग 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 मार देगा भाई ये, इसको तो मैं मार के ही छोड़ूंगा भाई। आप बेटे नहीं, उतना आसान नहीं है भाई मेरे को मारना। 400 खेल दे, ट्राई करे, 14% रेट है, आ जाएगा। ओ इजी भाई, इजी इजी। बट ये भाई मेरा क्या ही बोलूं भाई, मेरा भाई एल्फिडन को मार दिया, अनुबिस को मार दिया, रिलेक्सोस लक्स को मार दिया भाई एक झटके में भाई। इसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई एलिजाबी। चलो अभी बाहर निकलते हैं भाई, ये बहुत खतरनाक जगह है भाई। मेरा एल्फिडन मर चुका है, अभी मैं किसके ऊपर सवारी करूँ, दिक्कत हो गई भाई। मुझे पहले तो बेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा सभी पोकेमॉन्स ढेर हो चुकी है भाई। उसको तो अकेला रेप्टायरो ने ही मार गिराया भाई, और कोई पोकेमॉन का इस्तेमाल भी मैंने नहीं, मतलब इस्तेमाल करने का भाई मौका ही नहीं मिला, सबको मार दिया भाई एक झटके में भाई। ये पोकेमॉन मेरे को चाहिए भाई, हेल्जाफिर 27 लेवल का ये पोकेमॉन मुझे चाहिए भाई, क्योंकि ये ना सिर्फ रात को ही बाहर आता है, इसको मुझे पकड़ना है, उसके बाद घर चलेंगे। और मेरे पास भाई रेप्टायर है, वो अकेला मार देगा, इतना कॉन्फिडेंस तो है भाई। चल भाई रेप्टायरो, ये तो गया, ये नहीं बच गया भाई ये। ओ जला दिया भाई, खतरनाक जला दिया इसको तो रेप्टायरों ने तो खतरनाक जला दिया भाई। नहीं बेटे इतना आसान नहीं है, ओए मर जाएगा, वापस आ, कब मार दिया भाई पता ही नहीं चला। आ जाओ लेट्स गो। रेप्टायरों को साथ में रखता हो भाई, रोशनी वोशनी हो जाएगी। ओ ये कौन सी पोकेमॉन है, ये कौन सी पोकेमॉन है, ग्रीन टेल, पकड़ लो इसको भाई। ढेर, ये तो ढेर, ये तो ढेर भाई। रेप्टायरों के सामने कोई नहीं टिक सकता भाई, किसको पर कूदे जा रहा है भाई तू, मर जाएगा अभी भाई। रेप्टायरो आराम से अटैक करियो भाई, नहीं तो मर जाएगा ये। आराम से भाई रेप्टायरो, आराम से मर जाएगा भाई। मैं गीगा स्फीयर यूज करता हूँ भाई, मेगा स्फीयर तो है मेरे पास। ओ आ जाओ, खाली बिली मैं गीगा स्फीयर यूज कर रहा हूँ भाई, वेस्ट कर रहा हूँ गीगा स्फीयर। अरे आ जा भाई, ओ पीछे एक और पोकेमॉन है, उसके साथ भी लड़ना पड़ेगा मुझे। अबे आजा, आता क्यों नहीं है, अभी आ जाएगा, लेट्स गो। अभी इसको पकड़ते हैं भाई, ये कौन सी पोकेमॉन है, लूपून भाई। लूपून बहुत ही फेमस पोकेमॉन है, मेरे बेस पे आया था रेड करने, बट मैं पकड़ नहीं पाया भाई। वो भाई, भाई लूपून गया, ये तो गया, मर जाएगा, रुक जा, मर जाएगा, रुक जा। ये तो बच्चा बच्चा पोकेमॉन है भाई, गीगा स्फीयर में आ गया भाई, इजी भाई। रेप्टायरो आने के बाद भाई मैं सभी पोकेमॉन्स को भाई चुटकी में मारे जा रहा हूँ भाई, चुटकी में लिटरली। चलो भाई अभी मुझे बेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे सभी पोकेमॉन्स मरे हुए हैं। अभी देखते भाई उस अंडे से कौन सा पोकेमॉन बाहर आता है भाई, कोई फद्दू सा पोकेमॉन निकलेगा। अबे यार लूपमून निकला यार, अभी अभी मैंने पकड़ा लूपमून, और अंडे से भी लूपमून निकला भाई। बाय द वे गाइस, हमें नहीं भूलना चाहिए, आज हमें फॉक्सी सिली को ढूंढना है भाई,
और मैं भूल गया था मेरे पास एक छोटा सा अंडा है, इसको लगा देते हैं इसको। भाई हेल्जीफियर हमने पकड़ा था, ये क्या करता है भाई देखते हैं एक बार। पत्थर तो होता है क्या ये? अच्छा ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। और उसके बाद ये पोकेमोन है ना रिंटेल, रिंटेल बहुत ही भद्दू सा दिखने वाला पोकेमोन है भाई, हार्वेस्टिंग करता है। अच्छा ये भाई इसका दो दो टिप है भाई टेल का। भाई ये फ्लॉपी ब्लेड बनाने के लिए ना मुझे नेल और थोड़ा बहुत बहुत सारी क्लॉथ चाहिए, लेकिन मेरे पास भाई रॉ मटेरियल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं बाद में बनाऊंगा भाई। अभी पोकेमॉन्स पकड़ना है भाई हमें, मैंने तो गौर ही नहीं किया भाई जब मेमोस के साथ फाइट हो रहा था भाई, मेरा स्टैचू ऑफ पावर भी भाई डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने, मैंने देखा ही नहीं। मेरे पास कारपेट भी नहीं है भाई, कारपेट भी डिस्ट्रॉय कर दिया मेमोरिस ने। मेमोरिस भाई खतरनाक चीज है। मेरा घर वर सब ठीक है ना भाई? हाँ घर का सामान भाई सब एकदम एग्जैक्ट है भाई। मैं अगर पायरिन और अजूरोबे की ब्रीड करवा दूँ तो कौन सा पोकेमॉन बाहर आएगा? पहले मुझे देखना पड़ेगा कि होता है कि नहीं एक्चुअली में ब्रीड इनका। हाँ भाई ब्रीडिंग होगा इनका, इनफैक्ट हो रहा है भाई ब्रीडिंग। अभी मैं भाई देखने के लिए ना पायरिन और अजूरोबे को ब्रीडिंग करने के लिए भेज रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इसका ब्रीडिंग होता है, बट अभी देखना पड़ेगा भाई पायरिन और अजूरोबे की ब्रीडिंग से कौन सी अंडा निकलता है भाई, और उसके अंदर से भाई कौन सी पोकेमॉन बाहर आता है। अभी मुझे केक बनाना पड़ेगा भाई, केक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, सिर दर्द हो जाता है भाई केक बनाते बनाते। छोटा सा अंडा है भाई, अंडा किधर गया ये रहा, तो इसको हैच होने में 40 मिनट का वक्त लगेगा। चलो गाइस बहुत हुआ, हम अभी जाएंगे फाइट पे, हमारा पोकेमॉन रिकवर हो चुकी है तो हमें इस तरफ को जाना था। ओके तो किसके साथ फाइट लग गया? रिप्टायरो भाग भाई, मुझे फाइट वाइट अभी नहीं करना है भाई। ऊपर एक टावर मुझे दिखाई दे रहा है वो क्रिस बोल्ट की तरह, तो वहां पर भी कोई बॉस पोकेमॉन होगा जिनको हमें हराना पड़ेगा। पहले भाई एफीजीस लेना पड़ेगा जिंदगी में भाई, इस क्या नाम है गॉफिन, इन पोकेमॉन से मुझे कभी नहीं भिड़ना भाई। देखते भाई कौन सी पोकेमॉन को इन लोगों ने कैद करके रखा है मानुष लोगों ने। अरे भाई तो ये पत्थर तोड़ने का जो पोकेमॉन है ना वो वाला है भाई। भाई अंडा नहीं ले पा रहा मैं, अबे अंडे एफीजीस नहीं छोड़ना भाई। अभी तो भाई आधा मैप भी एक्सप्लोर नहीं किया हमने, रास्ते में अगर कोई बॉस पोकेमॉन मिल जाए तो भाई पकड़ लूंगा भाई। भाई चारों तरफ एलिजाबी और ये जो सिंडिकेट्स लोग है ना, ये लोग भाई भटक रहे हैं। ओए मुसंडा, मुसंडा भाई कैसे हो? ओह मुसंडा भाई मोटे हो गए पहले से, हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हो तुम। अबे मर जाएगा, रुक जा। अबे गलती से मैंने गीगा स्फीयर फेंक दिया भाई, नहीं आया तो नॉर्मल बॉल से आएगा। चलो आ गया। मनुष्य लोग मुझे मत मारियो भाई, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, एपीसी ले लो और भागो इधर से। फिर से मुसंडा भाई, भाई मुझे ना मुसंडा लक्स को पकड़ना है भाई, वो मुझे मिल नहीं रहा। मतलब वो भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट इनसे तो पावरफुल है भाई। वहां से भाग के आ रहा है भाई मेरे को मारने, मैं तो भाग जाऊंगा भाई। शायद से फॉक्सिस ही ना उस पहाड़ पे मिलता है जहां पर बर्फ है भाई, लार्ज रॉक टाइप एक ह्यूज रॉकी एग्स। अबे यार भाई मुझे फास्ट ट्रेवल दिला दो भाई, मेरे को घर जाना है और मुझे कोल्ड रेजिस्टेंट जो आर्मर है ना वो बनाना है भाई, नहीं तो मैं नहीं जा सकता उस पहाड़ पे। भाई मैं अभी आ गया हूँ भाई बहुत ही अलग ही एक जगह पर, और सामने मेरे भाई बहुत ही ऊँचा ऊँचा माउंटेन की भाई बर्फ वाली पहाड़ है, और नीचे एक इलेक्ट्रिक एग है, छोटा सा कोई पोकेमॉन बाहर आएगा मे बी। अभी ना मुझे उस पहाढ़ पर जाना है, लेकिन उसके पहले ना मुझे फास्ट ट्रेवल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं मेरे पास ना जो कोल्ड आर्मर है वो नहीं है भाई साहब। ये तो पूरा भाई ये देखो कोल्ड लगना स्टार्ट हो गया भाई। चलो भाई मेरे पास कोल्ड आर्मर पहले से ही था, मुझे नहीं पता था, मैंने पहन लिया है अभी, ठीक है भाई अभी मैं जा सकता हूँ इजीली। यहाँ पर बहुत सारी खतरनाक पोकेमॉन्स भी होगा भाई, मेरे को थोड़ी सी डर लग रहा है, बट ठीक है भाई अभी मैं थोड़ा सा पावरफुल तो हो चुका हूँ। अभी देखो मैं अगर मेरा ये कोल्ड शील्ड हटा दूँ ना तो देखो कोल्ड हो रहा है, मेरा लाइफ बहुत जल्दी कम होगा, इसको मैं पहन लेता हूँ भाई। भाई साहब या तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की पोकेमॉन दिखाई देगा मुझे, खतरनाक जगह है भाई ये तो। रात भी होने वाला है, मुझे बस एक फास्ट ट्रेवल दिख जाए भाई। अच्छा ऊपर वो टावर है ना वो बॉस पोकेमॉन वाली, भाई अभी रात भी होने वाला है भाई, पता चला रात में ठंड बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ओए ये मनुष्य लोग कहाँ से आ गए? पहल जेनेरिक रिसर्च यूनिट एग्जीक्यूशनर, कौन है ये? मारेगा क्या मुझे? सामने जाओ इसका, अब मारेगा भाई मारेगा। एल्फिडन जरा बता इनको, जा भाई रिलैक्स हो सरस, जरा बता इनको भाई। ओ भाई इसका हेल्थ बहुत 40 लेवल का है भाई, भागो इधर से, इधर से भागो भाई, पंगा नहीं लेनी मुझे, 40 लेवल का है भाई वो, पीट देगा मुझे। भाग 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 भाग, अरे जा भाग भाई, लड़ाई नहीं करनी होगी।
पीछा छूटा भाई उन लोगों से। अभी तो फास्ट ट्रेवल दिला दे भाई प्लीज। भाई मुझे एक हाइपर स्फीयर मिला है, कब मिला भाई पता ही नहीं चला मुझे। मुझे पता था भाई यहाँ पर कोल्ड होएगा, अभी ठीक है भाई। रात में यहाँ का हुलिया तो पूरा बदल गया यार। थैंक गॉड भाई मुझे फर्स्ट ट्रेवल मिला है भाई, थैंक गॉड। ओए सामने पोकेमोन है, सामने पोकेमोन है भाई, मरना चाहूँ मैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई हल्का फुल्का पोकेमोन नहीं होगा भाई, सब हाई लेवल का पोकेमोन होगा यहाँ पर। पहले मैं फर्स्ट ट्रेवल को अनलॉक कर लेता हूँ भाई फटाक से जाके। 40 लेवल का भाई क्रायोलिनिक्स भाई, 40 लेवल का है भाई। भाई दोनों तो दूर की बात है भाई, एक को ही नहीं मार पाऊंगा मैं अभी। गाइस मेरे को ना दूसरी जगह पर जाना है, जो फॉक्स से लिया ना अभी तुमको दिखा था, तो यहाँ पर पोकेमोन तो है नहीं भाई। अभी मैं ना यहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई जो फॉक्स से लिया है ना वो यहाँ पर नहीं, इस जगह पर कहीं तो मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन है, वहां पर मिलता है भाई फॉक्स से लिया। तो मुझे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा भाई। इस तरफ कोई तो माउंटेन है, ये वाला देखो, यहाँ पर फॉक्स सिली मिलता है। ये जो आइस वाली माउंटेन है ना छोटा सा, वहाँ पर फॉक्स सिली मिल सकता है भाई। यहाँ पर कोई तो बॉस पोकेमोन है जिसका नाम है वॉर्सिट, 30 लेवल का। ये पोकेमोन बहुत ही भद्दू और खतरनाक है भाई दोनों एक साथ। चलो अभी वॉर्सिट को पकड़ते हैं। ओ ये तो बच्चा है। अभी मैं रेप्टाइल को लूंगा, ये तो अभी मर जाएगा। आ भाई आ भाई 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 भाई, तू मरेगा बेटे, तू मरेगा, तू जल्दी मरेगा। अब तू गया बेटे, बोले भेज दिया, बुला लिया मैंने रेप्टायर को भाई। पागल बनाऊंगा इसको मैं अभी। ये सर से ग्राउंड टाइप हो गया, रेप्टायर को कुछ भी तो नहीं हो रहा भाई। मेमोरिस थोड़ा सा तू जा भाई। ओ मेमोरिस की भेजने के चक्कर में मेरे को लग गया, पड़ा भाई सॉलिड पड़ा, इसका तो सॉलिड पड़ा। मैं उसके पीछे छुप जाता हूँ भाई। ओ मेरे को गया मैं तो गया भाई, मैं तो गया भाई भाई भाई, भाई, भाई। मेरे को भी लग जाता भाई। लक्सोसोरस लक्स जा भाई, मेरे को मत मार, मेरे को मत मार भाई, मर जाऊंगा मैं। चलो गुड शील्ड आ गया भाई मेरे पास। अबे ये मेरे पास क्यों आ रहा है भाई, अबे यार शील्ड गया मेरा फिर से, अभी फिर से मेरे पास आ रहा है भाई। 1100 का हेल्थ बचा इसका। जला डाला भाई इसको रिफ्ट एरो ने। भाई रेप्टाइल मेरा बहुत खतरनाक पोकेमोन है भाई। ओ अबे लग जाता अभी। 800 का हेल्थ है। आ बेटे आ गया स्वाद। जिस तरीके से भाई रेप्टाइल इसको पीट रहा है ना, मरना जाए भाई। तू तो इसमें आएगा, आ जाएगा। चलो लेट्स गो, वी कैच द वॉर्सिट इंसेक्ट पोकेमोन। अभी ये जगह बहुत ही खतरनाक भाई, यहाँ से निकलते जल्दी जल्दी। मुझे अभी उस छोटा सा जो आइस वाला माउंटेन है ना, वहां पर जाना है मुझे, और वहां पर मुझे शायद से मिलेगा फॉक्सिसिली जो मुझे चाहिए भाई ब्रीडिंग के लिए। चलो लगभग तो बहुत पास आ गए हैं, अभी भी बहुत दूर है भाई।
और सामने एक बहुत ब्यूटीफुल झरना है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है भाई इधर से। लगभग हम उस माउंटेन के एकदम नीचे आ चुके हैं। अबे अटक गया क्या भाई? आ चुके हैं हम लगभग उस माउंटेन के एकदम बगल में। ओ भाई साहब, ये तो एकदम खतरनाक जगह है भाई। यहाँ पर एक बॉस टावर भी है, वहाँ पर हम जाएंगे बॉस फाइट करने के लिए। नीचे गंडा भी है भाई। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई। नाइस नाइस भाई, ये कौन सी भगवान है? सुई। चलो फास्ट ट्रेवल हमें मिल गया है। ओ फॉक्स इसीलिए हमें मिल चुका है भाई ऑलरेडी। नाइस, चलो पहले भाई लक्स हमारा। नाइस, हमारा आज का मोटिव फुलफिल हो चुका है, हमें फॉक्स इसीलिए मिल चुका है। दो दो है भाई यहाँ पर, 32 लेवल का है, बहुत बढ़िया। ये आइस टाइप पोकेमोन है, जला डला भाई, खतरनाक वाली। और मुझे भाई ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेल है ठीक है, मुझे मेल फीमेल दोनों को पकड़ना पड़ेगा ताकि बाद में भाई पछतावा ना हो। और वो एक वो भी मेल है ठीक है, दोनों को पकड़ लेंगे। चलो थोड़ी सी भाई रेप्टाइडो को भेजते हैं भाई, खतरनाक वाली मारता है भाई ये। भाई ये मर जाएगा, मर जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, रेप्टाइडो मर जाएगा भाई। अनुबिस पीछे एक और है मेरा फॉक्सिसिली, आना तो पड़ेगा भाई। हेल्थ इसका बहुत ज्यादा कम है। मेगा गीगा स्फीयर से आएगा क्या ये? पता नहीं मुझे, गीगा स्फीयर से ट्राई करते हैं भाई। अब तो आ जाना चाहिए, आ जा। अबे क्या, अबे आ जा, अबे ये तो आसानी से नहीं आती भाई। अनुबिस को जमा भी दिया भाई। अबे आ जा भाई प्लीज। हाइपर स्फीयर से पकड़ू क्या मैं इसको? अबे अरे अब तो आ जा। अरे थोड़ा सा मारना पड़ेगा इसको। अभी सही टाइम है भाई पकड़ने की। इसका हेल्थ एकदम नहीं है भाई, एकदम हेल्थ नहीं है इसका। अब तो आ जा, यस चलो। अच्छा इसका हेल्थ पूरा कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा भाई। मेरे पास अभी गीगा स्फीयर उतना ज़्यादा नहीं है भाई, मुझे संभाल के खेलना पड़ेगा। और दो तीन मुझे फॉक्सिसिली तो पकड़ना है भाई। रेप्टाइडो भाई बहुत अच्छा है इसमें भाई, झट से लाइफ कम कर देता है उसका। चल वे फॉक्सिसिली, ये फीमेल है, पिछले वाला में मेल था, ये फीमेल है भाई। ओ शील्ड खा गया मेरा, कैसा लगा अभी? अनुबिस अभी तू जा, इसका हेल्थ बहुत कम हो चुका है। अब रेप्टाइडो भाई इसको मार देगा भाई। पोकेमोन तो खतरनाक है भाई। अरे मार दिया भाई, मार दिया इसको। क्या यार, तेरे को मारना नहीं था यार, पकड़ना था मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, और भी है यहाँ पर फॉक्सिसिली, पकड़ लेंगे। सबको पहले खाना वाना खिला लेता हूँ भाई। अरे रेप्टाइडो भाई खतरनाक पोकेमोन है भाई, एक झटके में भाई आइस पोकेमोन का तो काम के तमाम हो जाता है। एक सेकेंड मुझे ऊपर से देखना है भाई फॉक्सिसिली किधर है। फॉक्सिसिली कहाँ हो भाई? मुझे फीमेल चाहिए। अच्छा मिल गया भाई, ये मेल है, मेल फॉक्सिसिली। मुझे फीमेल चाहिए भाई, मेल तो मैंने पकड़ लिया है, ये भी मेल है, मुझे फीमेल फॉक्सिसिली चाहिए। ओ ये कौन सी पोकेमोन है भाई? रेनरिस्क। वाह भाई रेप्टाइडो तू इस काम में माहिर है भाई, जा भाई। रेनरिस्क भाई ये तो बहुत खतरनाक दिखने वाला पोकेमोन है भाई, गया ये भाई। 30 लेवल का पोकेमोन भाई रेप्टाइडो ऐसे मार रहा है भाई, 2-3 लेवल का है भाई, गया भाई ये इजीली भाई, इजीली बच्चों का खेल है अब तो। मर जाएगा भाई अनुबिस, अभी तू जा भाई।
रिप्टारो मार देगा इसको। अरे भाग क्यों रहा है ये? अभी मेरे को संभालने दे भाई अनुबिस, नहीं तो मर जाएगा ये। अरे बॉल वेस्ट कर। अबे तू कहां से आया? देखो तो मैं नहीं मार रहा था मैं। अबे फॉक्स इसीलिए आ गया भाई लड़ने। जा भाई अनुबिस इसको देख ले भाई थोड़ी सी। फॉक्स इसीलिए मेल भाई, मेल तो मैंने पकड़ा है भाई। गया भाई, बुरा पिटेगा ये तो, ये तो बुरा पिटेगा भाई। भाई अनुबिस मारता है भाई बहुत स्टाइल से। अभी वापस आ जा, वापस आ जा, हो गया तेरा। ओए मेरे पीछे आ रहा है चिलेट भाई, छोटा छोटा चिलेट भाई। मार दिया भाई एक को तो मार दिया। रेप्टारो के साथ पंगा नहीं भाई, खतरनाक पोकेमोन है सीरियसली, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है। अभी पीछे से कौन मार रहा है भाई? ये लोग दोनों तरफ से इसको मार रहा है भाई सब लोग। इधर आ मर जाएगा तू। मर गया भाई, कौन कहां से मार रहा है भाई पता ही नहीं चल रहा। फॉक्सिसिली फीमेल भाई, दिख जा ये फीमेल मिल गया भाई, फॉक्सिसिली फीमेल। चलो एल्फीड्रन के अटैक भाई बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये काम का नहीं है। लेकिन जब भाई रेप्टायरो अटैक करता है ना भाई, सबका रेल बन जाती है भाई। लेकिन एल्फीड्रन को पकड़ने पे भाई हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी भाई, लेकिन उसके मुकाबले उसका अटैक उतना ज्यादा खास नहीं है। मार मत दियो भाई फीमेल भाई, बहुत देर के बाद मुझे फीमेल मिला है, फीमेल फॉक्सिसिली। आई मार गया भाई, मैंने मार दिया उसको, इतना सा हेल्थ बचा था भाई, मार दिया उसको, मर गया भाई। मेरे पास एक बार ही देखना है भाई, मेरा रेप्टायरो फीमेल है कि मेल है वो मुझे एक बार ही देखना है। मेरा रेप्टायरो मेल है और मुझे फीमेल फॉक्सिसिली चाहिए भाई। शिट यार, फीमेल फॉक्सिसिली भाई, फीमेल फॉक्सिसिली। एक मिला था भाई, मैंने खुद मार दिया उसको। ओह ये कौन है भाई, कोई बॉस पोकेमॉन है क्या? साइबरलिक्स 40 लेवल का? नहीं भाई अभी 40 लेवल का नहीं पकड़ेंगे कोई पोकेमॉन। फॉक्सिसिली चाहिए भाई मुझे, दिख गया भाई ये फीमेल है भाई, अभी पकड़ूंगा मैं, थैंक गॉड अभी मुझे पकड़ना है भाई। मारना नहीं है भाई, मारना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है। पहले रेप्टायरो तू जाइयो, इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दे, उसके बाद मैं देखता हूँ। गया भाई एक ही झटके में। थोड़ा प्यार से भाई, तुम दोनों का भी ब्रीडिंग करना है कुछ ही देर में, थोड़ा सा प्यार। भाई क्या ही बताओ यार, रेप्टायरो मार दिया भाई उसको भी यार, मुश्किल से भाई एक फीमेल मिला था हमें। क्या यार रेप्टायरो, मार दिया भाई। शिट यार अभी एक और फीमेल मिलना तो मुश्किल है भाई। भाई फॉक्स इसलिए बहुत रुला रहा है भाई, ऑफ कोर्स मेरा ही गलती है भाई, मैं बार बार उसको मार दे रहा हूँ भाई पकड़ने के चक्कर में। लेकिन इस बार भाई, इस बार मैं पकड़ के ही छोड़ूंगा भाई। पहले से ही भाई यहाँ पर बर्फ भरा पड़ा है और उसके ऊपर से ना ये यहाँ का जो पोकेमॉन है ना वो भी भाई पूरा वाइट है, तो कभी कभी नहीं दिखता भाई। मैं ना एक बार बेस पे होके आता हूँ भाई, पता चला भाई फिर से फॉक्सेस भी आ जाए।
नेक्स्ट डे में हम आए और हमको भाई एकदम से फॉक्सी सिली फीमेल मिल चुका है और भाई इसको एकदम संभाल के पकड़ना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसको एकदम संभाल के पकड़ना पड़ेगा। ये अगर हाथ से चला जाए ना तो बहुत दुख होगा मेरे को। मुझे इसको लाइफ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए भाई। बस 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 ठीक है, और नहीं अभी जितना कम करना पड़ेगा वो मैं करूँगा भाई। मेरा पोकेमॉन्स नहीं आएगा बीच में, नहीं तो ये मर जाएगा। आजा भाई प्लीज़ आजा, रिगस पर यूज़ करता हूँ। आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा, आ जाओ प्लीज़। ऐसा नहीं करते भाई, प्लीज़ आ जाओ। नहीं ये बहुत खतरनाक अटैक है भाई इसका। आ जाओ, यस यस भाई फीमेल हमें मिल चुका है। अभी हम चलेंगे ब्रीडिंग में और ये जो बॉस फाइट है ना ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी मुझे जाना है अपने बेस पे और रेप्टायरो और ये रही फॉक्सी सिली फीमेल, सॉरी, इसको लाना है बेस पे और दोनों को लगा देंगे हम ब्रीड पे। अभी रेप्टायरो किधर गया? अभी तेरे को काम नहीं करना, ऊपर चल, मतलब नीचे चल भाई। तुम देखो इन दोनों के ब्रीडिंग में से एक खतरनाक वाली अंडा निकलेगा जिनसे भाई एक खतरनाक वाली पोकेमॉन भी बाहर आएगा और उनका पापा होगा ये बड़ा सा रेप्टायरो और मम्मी होगा ये छोटा सा फॉक्सी सिली भाई। तो इसमें से जो अंडा निकलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में ओपन करेंगे और उसमें से भाई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर आएगा भाई। बाकी इन लोगों का ब्रीडिंग होने देते हैं, इसमें से जो अंडा निकलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में ओपन करेंगे सबसे पहले। और भाई आज हमने बहुत सारी बॉस पोकेमॉन तो नहीं बट पावरफुल पोकेमॉन पकड़ा है बहुत सारी। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तुम लोग भाई आराम से ब्रीडिंग जो करना है करो। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।